आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस जो मुझे विलन के रोल में पसंद करते हैं बट प्यार हीरो वाला ही देते हैं। टीवी की दुनिया में टीआरपी की रेस हमेशा से रही है। बीते 3 साल से जिस एक टीवी शो ने इस रेस में हमेशा बाजी मारी है वह है कुंडली भाग्य। 2017 से चले आ रहे इस शो को लेकर दर्शकों की दीवानगी आज भी बनी हुई है। प्रीता और करण के प्यार में विलन बनकर शो में एंट्री ली संजय गगनानी ने। पृथ्वी मल्होत्रा के रोल में संजय इस शो की जान बने हुए हैं। एक वह भी दौर था जब पर्दे पर विलन को देख दर्शक असल जिंदगी में भी उस एक्टर से नफरत करने लगते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। खुद संजय कहते हैं कि वह भले विलन का रोल कर रहे हैं लेकिन दर्शक उन्हें हीरो की तरह प्यार करते हैं। नवभारत टाइम्स के साथ खास बातचीत में संजय ने बताया कि वह टीवी के सबसे बड़े शो के विलन हैं और इस रोल को करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अच्छी बात यह है कि उन्हें टाइपकास्ट नहीं किया गया क्योंकि जो भी नए ऑफर्स उन्हें मिल रहे हैं वह हीरो के होते हैं, विलन के नहीं। संजय 2002 से एक्टिंग करियर में है। उन्होंने मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में भी करीना कपूर के साथ काम किया है। तो जब आपका शो हिट है तो मैं यही कहूँगा कि टीवी के सबसे बड़े विलन है और फेस आपका हीरो के जैसा है, कैसा लगता है? सच बताऊँ तो एज एन एक्टर मेरा बस ये काम है कि जो किरदार मुझे दिया जाए उसे मैं बखूबी निभाऊँ। ये ना सोचूँ कि मैं ऐसा लगता हूँ तो मैं वो क्यों करूँ या ये क्यों करूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। अगर आपने मेरा काम भी देखा होगा तो मैं किसी भी तरह के चेहरे बनाने में भी हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं ऐसा चेहरा बनाऊँगा तो मैं विलन लगूँगा, ऐसा चेहरा बनाऊँगा तो मैं कॉमेडियन लगूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने सीन्स को, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। मेरा यही कर्तव्य है अभिनेता के तौर पर कि मुझे जो काम दिया गया उसे मैं 100% दूँ अपना, और जो मेरे प्रोड्यूसर्स ने मेरे अंदर ट्रस्ट दिखाया, जो फेथ दिखाया, उसे मैं बखूबी निभाऊँ। तो जब आप विलेन का किरदार करते हैं वो भी सबसे बड़े शो में, सबसे हिट शो में, तो आपको रोल जो दूसरे ऑफर होते हैं क्या विलेन के होते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं? सरप्राइजिंगली नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये सबसे बड़ा शो है टेलीविज़न पे जिसका मैं विलन हूँ, मुझे लगा कि इसके बाद तो सब लोग मुझे इसी के लिए कॉल करेंगे कि विलन की रिक्वायरमेंट और संजय, पर ऐसा नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे जो भी ऑफ़र आते हैं दूसरे शोज़ के या जो भी दूसरे मीडियम के ऑफ़र आते हैं, विलन के लिए नहीं आते। तो इससे पता चलता है कि ऑडियंसेस, फिर प्रोड्यूसर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं जो कॉल लेते हैं कि किस एक्टर को किस रोल में कास्ट किया जाए, उनकी थॉट प्रोसेस जो बोलते हैं कि टाइप कास्ट, वो दिन गए जब एक्टर टाइप कास्ट होता था। तो थैंकफुली मैं टाइप कास्ट नहीं हुआ हूँ एंड आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस जो मुझे विलन के रोल में पसंद करते हैं बट प्यार हीरो वाला ही देते हैं।